चीन के राष्ट्रपति का दर्जा अब माओ त्से-तुंग के बराबर हो गया है। उन्हें यह दर्जा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने दिया है। सीपीसी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेतृत्व का प्रमुख नियुक्त करते हुए उन्हें उसी तरह का दर्जा प्रदान किया है जो पार्टी के संस्थापक चेयरमैन माओ त्से-तुंग का था। साथ ही उन्हें पार्टी, सेना और सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की भी इजाजत दे दी। पार्टी की एक प्रमुख बैठक में साथ ही ये फैसला भी किया गया कि सामूहिक नेतृत्व वाली व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये सिस्टम में 1981 में शुरू की गई थी ताकि कोई एक व्यक्ति पार्टी नेतृत्व पर वर्चस्व स्थापित नहीं कर सके। सरकारी समाचार एजेंसी शिंगहुआ के अनुसार 370 मुख्य नेताओं की 4 दिन तक चली बंद कमरे में बैठक के बाद सीपीसी के शीर्ष नेताओं की ओर से बयान में इस बात का आह्वान किया गया कि सभी सदस्य सीपीसी केंद्रीय समिति के इर्द गिर्द एकजुट हो जाएं, जहां कॉमरेड शी जिनपिंग प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति होने के साथ 63 साल के शी जिनपिंग चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेना के प्रमुख हैं। शी जिनपिंग नवंबर 2012 में पार्टी का नेता और 2013 में राष्ट्रपति एवं सेना का प्रमुख बनने के बाद से एक ऐसे शक्तिशाली नेता के तौर पर उभरे हैं जो शायद माओ के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता के रूप में देखे जा रहे हैं।